हेलो नमस्कार साथियों साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के जंक्शन में। साथियों फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। जानेंगे जीके से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तथा आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलते रहेगी। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसका आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। अगला सवाल है, कार का आविष्कार किसने किया था? जी फ्रेंड्स, कार का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। अगला सवाल है, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? जी फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, लाउड स्पीकर का आविष्कार हॉरेस शार्ट ने किया था। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जी हाँ फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला सवाल है, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, बाघा बॉर्डर अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड्स, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जी साथियों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जो कि अमूल दूध के फाउंडर है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जिसका ए ऑप्शन आगरा, बी ऑप्शन कानपुर, सी मथुरा, डी लखनऊ। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलते रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ। थैंक यू।